हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप तो यार बढ़िया हो गए, पर तुम्हारा भाई जो है अभी फिलहाल डाउन चल रहा है। डाउन में दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर मेरे अभी कुछ वीडियो पे देखोगे तो यार उस पर व्यूज़ ही नहीं है। मतलब क्या कर रहे हो यार? 7 लाख की फैमिली हम लोग का होने वाला है, जल्दी शायद हो जाएगा, और व्यूज़ के नाम पर 2000-3000 तक ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हो यार? एक्टिव हो कि नहीं हो? मतलब JSR का लौंडा का वीडियो का जैसे देखते हो नोटिफिकेशन उसको साइड से हटा देते हो क्या? तो छोड़िए यार, डिमोटिवेट नहीं होना है। जिस तरह से मैं पहले काम करता था वैसे काम दोस्तों मैं अभी भी करता हूँ और फ्यूचर में भी करता ही रहूँगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1.9 के हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि टेक्निकल गुरु जी उसके बाद शायद मैं ही हूँ जिसके चैनल पर इतना सारा वीडियो होगा। 1.9K वीडियोस मान्य रखता है। ठीक है, तो कितनी हार्डवर्क है वो मुझे पता है, और आप लोग जब लिख देते हो ना भाई आपका चैनल तो फ्रीज हो गया है तो कितना ज़्यादा ख़राब लगता है मुझे पता है। तो गाइस, आज दोस्तों जो मैं आपको वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ वो वीडियो दोस्तों अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर मेरा नॉर्मल वीडियो दिखेगा, जहीं पर दूसरी ओर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से स्काई में आपको थंडरिंग इफेक्ट होता हुआ दिखेगा। साथ ही में गाइस, वीडियो के ऊपर एक इफेक्ट भी अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा। तो आप भी अगर अपना वीडियो को इस तरह से एडिट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्काई के सामने जाके अपना एक वीडियो को शूट कर लीजिएगा। शूट करने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिमोटिवेट होने वाला कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सके तो यार पॉजिटिव वाला कुछ कमेंट कर दीजिएगा। अब साथियों, बिना किसी तरीके चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो को एडिट करना है। साथियों, आज के इस वाले वीडियो को मैं एडिट करने के लिए कैपकट ऐप का यूज करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको मेरा कैपकट ऐप डाउनलोड करना है तो साथियों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जहाँ पर मैंने लिंक दे के रखा है, आप दोस्तों वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद साथियों, अभी आपको जैसा मैंने वीडियो शूट करके दिखाया है, आप जो अपना वीडियो शूट किए हैं उस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर कैपकट के अंदर सेट करना होगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो रिकॉर्डिंग किया रॉ फाइल है उसको मैंने यहाँ सेट कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको आपको यहाँ पर 0 करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाके इसको 0 आप यहाँ पर कर लीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों वीडियो के अभी आपको लास्ट में जाना होगा, देन ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको दोस्तों आप यहाँ पर डिलीट करके हटा दीजिएगा। अब साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वाले वीडियो को स्लो मोशन में बनाना है। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करते हो, नीचे में आपको यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों यहाँ पर स्पीड वाले ऑप्शन में जाना होगा। नॉर्मल वाले ऑप्शन सेट करके कुछ इस तरह से आप यहाँ पर 0.3x आप यहाँ पर कर दीजिएगा। देन गाइस, आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना होगा। जब साथियों आप यहाँ पर ओके प्रेस करके वीडियो को प्ले करके देखोगे तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर जो मेरा वीडियो है कितना बढ़िया से स्मूथ स्लो मोशन हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर इस वीडियो एडिटिंग में यहाँ पर जो जो चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ों को मैंने लिंक दे के रखा है। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन से हर चीज़ को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ओवरले वाले ऑप्शन पर सेट करना होगा। एड वाले के ऑप्शन पे क्लिक करके अब दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो थंडरिंग वाला वीडियो डाउनलोड किए थे इस वाले वीडियो को आपको सेट करना है। सबसे पहले गाइस, अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से ये जो थंडरिंग वाला इफेक्ट इसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा। देन आपका जहाँ पर स्काई होगा उस जगह पर दोस्तों इसको भी आप यहाँ पर रख दीजिएगा। रखने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे में अगर देखोगे तो फ्रेंड्स आपको एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको साथ ही यहाँ पर मार्क्स वाले ऑप्शन पर जाना होगा। स्पीड वाले ऑप्शन में जाके कुछ इस तरह से गाइस, इतना में आके इसको कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर खींच देना होगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने जो स्काई उस हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट किया है। आपको भी दोस्तों इस तरह से एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद इसका ड्यूरेशन गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो 3 सेकंड के लिए हुआ है। सो गाइस, आपको इसका गाइस यहाँ पर कॉपी करना होगा। उसके लिए गाइस आप यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, देन वापस से कॉपी कीजिएगा। देन जितना दूर गाइस अपना वीडियो आप यहाँ पर बनाना चाहते हो उतना दूर गाइस आप इसका कॉपी कीजिएगा। तो मैं गाइस यहाँ पर 15 सेकंड के लिए बनाना चाहता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर 17 सेकंड के लिए हो चुका है। सो गाइस, मैं यहाँ पर इतना दूर में आके जो फाइल है मेरा एक्स्ट्रा पार्ट उसको मैं यहाँ पर ट्रिम करके हटा लेता हूँ। हटाने के बाद दोस्तों अभी आपको अपना जो ये वाला वीडियो है इस वाले वीडियो पे क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कॉपी वाले इसमें भी ऑप्शन पे आप यहाँ पर जाइएगा। जाकर दोस्तों आपको जो स्टार्टिंग वाला वीडियो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर नीचे में देखोगे तो फ्रेंड्स एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर ओवरले वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे तो वीडियो गाइस नीचे वाले लेयर में आ चुका है। अब आपको इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है आपको दोस्तों रिमूव करना है। उसके लिए साथियों आप यहाँ पे नीचे में देखोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह के गाइस आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड को परसेंटेज दिखेंगे। सो गाइस आपको यहाँ पे 100% होने तक का वेट करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो जो मेरा वीडियो का बैकग्राउंड है यहां पे रिमूव हो गया है। देन गाइस मेरा जो वीडियो यहां पर गाइस कितना बढ़िया से अभी से दिखने लग गया है देख सकते हो। अब आपको यहां पे नीचे में जो ओवरले का ऑप्शन है दोस्तों इस पर क्लिक करके ऐड वाले वाले ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों फोटो वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। देन स्टॉक फोटो में आप यहाँ पर जाके दोस्तों आप एक ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है इसको दोस्तों आपको सिलेक्ट करना होगा। इसको गाइस अपने दोनों हाथों के फिंगर के हेल्प से कुछ इस तरह से बड़ा कीजिएगा। तो नीचे तरफ में आपको इसको ले आना होगा। लाने के बाद आप इसका जो ड्यूरेशन है जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन होगा दोस्तों पहले आप इतना यहाँ पर कर लीजिएगा। इतना करने के बाद गाइस अभी आपको यहाँ पे जो नीचे में मार्क्स का ऑप्शन है इसी वाले मार्क्स वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जाकर साथियों इस वाले ऑप्शन को ऑन कीजिएगा, कुछ इस तरह से इस जगह पकड़ के इसको गाइस आपको यहाँ पर इस तरह से टिल्ट करके घुमा लेना होगा। मैं गाइस यहाँ पर जिस प्रकार से घुमाया हूँ सेम टू सेम आप यहाँ पर घुमा लीजिएगा। देन गाइस इसको कुछ इस टाइप से खींच दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप इसको खींचोगे यहाँ पर शैडो टाइप का कुछ इस तरह का इफेक्ट होने लगेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर बैक करके बाहर आइएगा, ओवरले वाले ऑप्शन में जाके एड ओवरले को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर गाइस अभी आप वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जाइएगा। देन दोस्तों आप मेरे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन से जो ये वाला वीडियो डाउनलोड किए थे इस वाले वीडियो को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि गाइस इसी में आपका ऑडियो है देन टेक्स्ट भी है। अब आपका जहाँ पे टेक्स्ट दिखता है उस जगह पे आके आपने दोनों हाथों के फिंगर के हेल्प से कुछ इस तरह से बड़ा करके आपको इस जगह पर इसको रखना होगा। रखने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर दोस्तों इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना होगा। देन आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों इस वाले वीडियो का ड्यूरेशन जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन है इतना रख के बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको स्पीड कीजिएगा। इसको गाइस आप यहाँ पर डिलीट करके हटा दीजिएगा। अब दोस्तों बारी है वीडियो में कलर ग्रेडियंस करने का। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देखो तो फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर जो टैम्प है आप इस पर जाइएगा, इसको गाइस कुछ इस टाइप से इसको इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो ब्राइटनेस है इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट गाइस आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इंक्रीज कर दीजिएगा। सैचुरेशन को भी गाइस आपको यहाँ पे हल्का सा बढ़ा देना होगा। एक्सपोजर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से घटाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आपको यहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिएगा। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो इफेक्ट है नीचे में यहाँ पर मेरा अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों मैं अपने वीडियो को शुरू से प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो। बाकी साथियों इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप यहाँ पे 1080 वाले ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पे 60fps पे अपने वीडियो को शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी साथियों आपको अगर जानना है कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का जो ब्रिज के ऊपर चलने वाला वीडियो कैसे बनाना है तो गाइस आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।